अगर इसको ग्राम में लिख देंगे तो ये ग्राम इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। तो 49 जो है ये H2SO4 का इक्विवेलेंट मास है, जिसको एक्चुअल में इसको ग्राम इक्विवेलेंट मास बोलना चाहिए, और बोलचाल की भाषा में हम लोग इक्विवेलेंट मास बोल देते हैं। एक्चुअल में होता ये है कि यदि आप यूनिट मेंशन करोगे तो ग्राम लिखने के बाद उसको इक्विवेलेंट मास नहीं बोलना चाहिए, उसको बोलना चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट मास। लेकिन हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं तो आप कुछ भी बोलोगे, ग्राम इक्विवेलेंट बोलो या इक्विवेलेंट बोलो, मतलब एक ही माना जाता है। पर एक्चुअल में इसको ग्राम लिख के इसको ग्राम इक्विवेलेंट वर्ड यूज करना चाहिए। खैर, अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 मोल H2SO4 98 ग्राम के बराबर है, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इसको जी लिख दे रहा हूं, H2SO4 49 ग्राम के बराबर है। मान लीजिए मैं से पूछा गया 196 ग्राम H2SO4 में कितने H2SO4 है, तब कैसे निकालेंगे? 98 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, तो 196 ग्राम में कैसे हो जाएंगे? मतलब आप क्या किए, गिवेन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ये नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला हो गया, जो आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, गिवेन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ये नंबर ऑफ मोल का, भाई 98 ग्राम में 1 मोल होते तो इतने में कितने मोल होंगे, ये एक चीज, ये नंबर ऑफ मोल के लिए बात हो गई। दूसरी चीज हो गई कि यदि 49 ग्राम H2SO4 बराबर 1 ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 है, तो 196 में कितने होंगे, 1/49 × 196, ये कितना जाएगा, 4 ग्राम इक्विवेलेंट, ये 4 2 मोल। तो ये कैसे किए, गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक, अब इसी को 2 फॉर्मूले पे लिख लेना, यही फॉर्मूले हमारे आगे काम आने वाले हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, इसको हम लोग ऐसा लिख लेते हैं W/m, W गिवन मास इन ग्राम, m मोलर मास है। और दूसरा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम